राम राम दीदी। घर की फावड़ा करके कहाँ जाता है? अजो ला गड्ढा बना ले जाते दीदी। कसला बना के मोहल्ला दिखा ले। हाँ चल। दीदी अपना जोला गड्ढा कहाँ बना सकथन? दीदी ये गड्ढा ला हम घर के पास में या खेत के किनारे ये गड्ढा ला बना सकथन। मैं ये गड्ढा ला ही अच्छा बना। अच्छा हाँ दीदी, अजोला गड्ढा के नाप कितना कितना होते हैं? दीदी अजोला गड्ढा के नाप 6 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई हो। जिला या टेप से दीदी नाप को अपन चलता। दीदी ये लेना पाले। या टेपड़ा पकड़वा ले दीदी। दीदी ये अजोला गड्ढा की लंबाई है 6 फीट। हाँ दीदी। अब चल अपन चौड़ाई नाप ले। हाँ दीदी। और ये चौड़ाई है 3 फीट। दीदी अब नाप के आधार पे गैंती से खोद। हाँ दीदी। दीदी गड्ढा की सतह ला एक बराबर कर ले पड़ते है ताकि चारों तरफ की नाप एक बराबर हो। अच्छा दीदी यह गड्ढा की गहराई कितना रही? दीदी यह गड्ढा की गहराई 1 फीट रही। दीदी अजोला गड्ढा तो तैयार हो गई, सवेला कैसे बनाते हैं? दीदी अजोला खाद बनाने के लाने पानी और या प्लास्टिक ढाई किलो दीमक मिट्टी या 2.5 किलो गोबर लगता है और जरूरी मात्रा में अजोला लगता है। दीदी सबसे पहले गड्ढे में प्लास्टिक डालते हैं। हाँ दीदी। उसके बाद पानी। दीदी गड्ढा में प्लास्टिक कहे बिछाते हैं? दीदी जमीन पानी न सोखे कहके प्लास्टिक बिछाते हैं। सबसे पहले हम गोबर घोल थे दीदी। ऐसी माटी भी डाल थी दीदी। ऐसे करके घोर देते हैं दीदी हाथ से ताकि पूरा घुर जाए। गोबर और मिट्टी
ले डाले के बाद दीदी अब अजोला ला डालते हैं। दीदी अजोला तो थोड़ी से डाले हस पूरा गड्ढा में फैल जाही। हाँ दीदी ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते फैल जाही। कितने दिन में तैयार हो जाही? दीदी 7 दिन में पूरी तरह से फैल जाही। दीदी अजोला खाद से काहन काहन लाभ होत है? दीदी अजोला के बहुत सारे लाभ हैं। पहला अजोला ला खेत में डालते दीदी तब पानी ला भाप बन के नहीं उड़न दे। दूसरा अजोला ला खेत में डालते दीदी तो अजोला फैल जाते तो नींदा ऊपर नहीं आवे। तीसरा अजोला हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधन ला देते है। चौथा अजोला यूरिया की कमी ला पूरी करते है। जोन पैसा यूरिया खाद खरीदे में लगाथन तोन पैसा हमार बच जाते है। दीदी अजोला ला जैविक खाद के रूप में ही उपयोग कर सकथन का? हाँ दीदी अच्छा सवाल करे ते एक और भी लाभ है। अगर अजोला ला हम चारा के साथ मवेशन ला खिलाथन तो हमन ला दूध के उत्पादन अधिक होते है और मवेशी भी स्वस्थ रहते हैं। दीदी हाँ दीदी 7 दिन तो हो गई अजोला गड्ढा में फैल गए हुई चल देख के आ था। चल ना दीदी अब अपने ला खेत में कितने दिन बाद डाल सकथन? दीदी हम एला रोपाई के 15 दिन बाद खेत में डाल सकथन। हाँ दीदी हाँ दीदी बहुत अच्छा जानकारी दे तोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। यह विधि ला हर किसान भाई ला अपनाना चाहिए। एला बनाना सरल है एमें कुछ भी लागत नहीं लगे।